उत्तर मध्य मुंबई से एसपी बीएसपी के उम्मीदवार इमरान खान एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो मुंबई महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के फॉर्मूले को इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए जानते हैं वो किन मुद्दों पर इलेक्शन का प्रचार करेंगे। इमरान जी, ये बताइए कि इस समय जो यहाँ मुंबई के हालात हैं, इस हालात में आपने इलेक्शन जो सपा बहुजन समाजवादी पार्टी और सपा के अलायंस से लड़ने का जो आपने जो कदम उठाया लड़ने की तरफ, उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण ये है कि बहन कुमारी मायावती जी, जो इस देश की थर्ड फ्रंट लीडर आगे उभर के आ रही है, बहुजन समाज के लोग अपना लीडर बहन मायावती के चेहरे में देख रहे हैं, और उन्होंने बहुजन समाज के लोगों को साथ में लेकर एक सरकार बनाने का काम किया है, जिसके साथ में यूपी में महागठबंधन में समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से ये सरकार बनाने का काम होगा। इलेक्शन में दरअसल ऐसा है कि पिछले बीते हुए 15 साल का जो टर्म गया है, उसके अंदर 5 साल के टर्म में प्रिया दत्त जी थी, उन्होंने जो पार्लियामेंट में के अंदर जो उनकी प्रेजेंसी थी, वो प्रेजेंसी इतनी फेयर प्रेजेंसी नहीं थी कि जीरो अवेलेबिलिटी के अंदर वो कोई भी बिल पास हो या अमेंडमेंट हो या किसी तरह का लॉ हो तो वो उसमें यस और नो बोल के उस चीज़ों को पास करा सके, या अगर कोई उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अगेंस्ट में कोई लॉ पास हुआ है तो उसको रोक सके। और सेम इज इट पूनम महाजन भी पिछले लास्ट टाइम में टर्म में थी, तो उनका भी इसी तरह से प्रोसेस रहा है कि उनका भी कोई योगदान नहीं रहा या कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहा या उनका प्रेजेंसी भी नहीं रही वो पार्लियामेंट में। तो आपको ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट में पार्लियामेंट दरअसल क्या होता है सर, पार्लियामेंट इज कॉल्ड जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन मीन्स द पीपल हु लीड द कॉन्स्टिट्यूएंसी बिलोंग्स टू द जनरल पीपल। जनरल पीपल की जब उनको समस्याएं नहीं मालूम होगी, जब उनको उनकी उपलब्धि उनके लिए क्या है, उनकी समस्याएं क्या है, जब वो जनरल नहीं रहेगा, सेलिब्रिटी टाइप के लोग लड़ेंगे या उद्योगपति लोग लड़ेंगे, तो जो आम जनता की प्रॉब्लम है शहरों के अंदर, दरअसल ये नॉर्थ सेंट्रल का एरिया है, नॉर्थ सेंट्रल जो है इसमें कुर्ला, कलीना, बैंड्रा ईस्ट, बैंड्रा वेस्ट, विले पार्ले, चांदीवली, ये 6 विधानसभा का ये नॉर्थ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट लगता है 29 नंबर। इसके अंदर एयरपोर्ट से जुड़ी कुछ जगह है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में है, ये पिछले 10 साल के टर्म में ना पूनम महाजन ने ना प्रिया दत्त ने किसी ने भी उसके ऊपर कोई एक्टिविटी कोई काम नहीं किया, ना किसी तरह का अमेंडमेंट लाया, लॉ लाया कि अगर मुंबई का पुनर्निर्माण हो तो उसमें कोई योगदान हो उनके माध्यम से, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसे डेवलप करे, तो उन्होंने उस चीज में कोई काम नहीं किया। इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं और क्या समस्याएं हैं मुंबई की? जो आपका जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इस क्षेत्र के और क्या क्या समस्याएं हैं? देखो सरकार की जो हम चाहते हैं कि संविधान का पूरी तरह इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। संविधान में ऐसा लॉ है कि जिसके पास घर नहीं है सरकार उसको घर प्रोवाइड करे, लेकिन इधर मुंबई के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रहा है, जो एग्जिस्टिंग जिनके पास टेनेंट है, झोपड़े हैं, घर है पहले से 30 40 50 साल से जो मुंबई में रहते हैं, मुंबई में रहने के बावजूद उनको डेवलपमेंट के माध्यम से उनको घर से अलग किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, और एसआर के माध्यम से उनकी फाइलें कई रुकी जा रही है, डिस्प्यूट में चल रही है, डेवलपमेंट के नाम से उनको घर से बेघर किया जा रहा है। आज घर होने के बावजूद भी एसआरए की स्कीम माड़ा के द्वारा जो भी चल रही है या एमएमआरडी के थ्रू, तो जो एग्जिस्टिंग रेसिडेंस होल्डर है उनको उनके घर से बेघर किया जा रहा है, जो कि कानून का इम्प्लीमेंटेशन अगर होगा तो कानून के माध्यम से हर व्यक्ति को घर मिलना चाहिए, इधर वो इधर का रेसिडेंस हो या नहीं हो। घर एक बड़ी समस्या। इसके अलावा दूसरी समस्या जो है वो माइनॉरिटी के लिए है, जहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ हैं तो उनको सोशल इकोनॉमिक एजुकेशनल, दरअसल एजुकेशनल लेवल जो है वो बहुत मेजर मुद्दा है। जिस भी कौम की या किसी समाज की अगर बर्बादी करना है तो उसको एजुकेशन से दूर कर दिया जाए, वो खुद ब खुद वो खाई में चला जाएगा। तो आपका सबसे बड़ा कदम ये है कि एजुकेशन, जो कि अभी भी इस क्षेत्र में मुंबई विश्वविद्यालय आपके क्षेत्र में आता है, फिर भी
क्षेत्र में एजुकेशन का स्तर बढ़ाया नहीं गया वो सही नहीं हो पाएगा, नहीं होएगा, कोई अच्छा काम नहीं किया, नहीं काम किया गया। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कोई बड़ा पब्लिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है। कुर्ला ले लीजिए आप, कलीना ले लीजिए, बैंड्रा ईस्ट, बैंड्रा वीस्ट, विले पार्ले, चांदीवली, कहीं भी ये पिछले 10 साल 15 सालों में साइन हॉस्पिटल एक है, राजावाड़ी हॉस्पिटल एक है, कुपर हॉस्पिटल एक है, लेकिन इस जो जोन में है कोई बड़ा सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। क्या इधर के लोगों को ये सुविधा स्वास्थ्य की जरूरत नहीं है? ये इशू पे स्वास्थ्य की सुविधाएं जो है यहाँ पर पूरी तरह से उपलब्ध नहीं की गई है, पूरी तरह से नहीं उपलब्ध की गई। हाँ, ये कमी खलती है स्वास्थ्य की, एजुकेशन की, घर की, ये सारे मुद्दे हैं जो बेसिक मुद्दे हैं जिनको यहाँ के रहवासी को ये चीजें उन्होंने मुहैया नहीं करा पाए। नहीं, दरअसल क्या है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये दो पार्टी है जो हमेशा से देश में रूल करते आई है। लेकिन आप देखा जाएगा बीएसपी पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी, ये बहुजन समाज की पार्टी है, सारे समाज में हर वर्ग के हर किस्म के लोगों की पार्टी है ये, और ये पार्टी तीसरी नेशनलिस्ट पार्टी है पूरे हिंदुस्तान में। अगर आप देखा जाए इवन बीजेपी और कांग्रेस वो अलायंस में सीटें पे लड़ती है, विदाउट अलायंस बीएसपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो 500 प्लस सीटों पे अपने कैंडिडेट लड़ाती है। देश की सबसे बड़ी पार्टी है, रूलिंग पार्टियों से भी बेहतर वो अपने कैंडिडेट कॉन्टेस्ट करती है लोकसभा में। इस समय आपका इंडिपेंडेंट पार्टी है या फिर संयुक्त तत्वावधान है किसी के साथ? नहीं, हमारा इसमें यूपी से एक महा अलायंस हमारा चल रहा है समाजवादी पार्टी के साथ, अखिलेश जी के साथ। अखिलेश जी ने बहन जी के ऊपर विश्वास जताया है और भी बहुत से लोगों अदर पार्टियों ने विश्वास जताया है जो बहन जी का नेतृत्व में इस देश को देख रहे हैं। वही फार्मूला आप यहाँ पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं? जी बिल्कुल, वही फार्मूला यही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि इस देश में देश चलाने के लिए कानून का इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है, और कानून का मेन फॉलो वही कर सकता है जिसको कानून में बिलीव है। तो कानून में बिलीव है जो बाबा साहब के विचारों को लेके चलने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, जो जो सारे समाज को एक साथ लेके चलने वाली पार्टी है, और उसके सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं है। अगर इस देश को बेरोजगारी से, भुखमरी से, एजुकेशन से, हेल्थ से, सब चीज़ों से बचाना है और उनको सुख समृद्धि देना है तो एकमात्र सिर्फ बीएसपी के, कोई दूसरा चारा नहीं है। अभी सभी का अपना अपना कोई ना कोई धोरण होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपना क्या मुद्दा बनाया हुआ है कि जनता आपका सहयोग करे और जनता आपको वोट दे? पहली एक चीज, पिछले 10 जो डिकेड गया है, 10 साल का टर्म, 5 साल प्रिया दत्त, 5 साल पूनम महाजन, ये दोनों का जो टर्म बीता हुआ है, ये दोनों का टर्म इनका फेलियर हुआ। और दूसरी बात जो है, अब लोग इसके उपलक्ष में थर्ड फ्रंट देख रहे हैं, तीसरा चेहरा कौन है, तो तीसरे चेहरे के लिए हमारे पास बीएसपी और सपा का अलायंस है, और ये क्षेत्र जो है वो माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया है, कॉन्स्टिट्यूएंसी माइनॉरिटी डोमिनेटेड है, जिसमें 35% मुस्लिम लोग हैं और उसमें 30% उत्तर भारतीय है और 10% और उत्तर भारतीय अदर देन मुस्लिम, और उत्तर भारतीय अराउंड 40% उत्तर भारतीय हैं जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिसाइड करते हैं, और उनका बिलीव हमेशा वो यूपी से जुड़े हुए हैं, तो यूपी में आइदर दे आर सपोर्टिंग समाजवादी पार्टी और दे आर सपोर्टिंग बहुजन समाज पार्टी, तो ये एक तरह का उनका जो जोड़ है वो बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी के साथ ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, क्योंकि लोग उधर के रहवासी है तो उनका बिलीफ उस पार्टी में बड़ा है, उन्होंने शासनकाल देखा है समाजवादी और बहुजन समाज का उधर उत्तर प्रदेश में, उसी बुनियाद पे, उसी उम्मीद के साथ वो एक विकल्प के रूप में बहुजन समाज पार्टी का नए चेहरे को देखते हुए हमारे साथ आएंगे और हमारी बहुजन समाज पार्टी को विजयी बनाएंगे। क्या चाहते हैं आखिरी, आप पर क्या स्लोगन होगा जनता को जो देना चाहिए?
देश की मजबूरी है बहन मायावती, जरूरी है। और कुछ खास उसको किस अपने कि आप शायर भी हो, वैसे भी अपने शायराना अंदाज़ में इसको किस तरह से हम ही सोचे जमाने की, हम ही माने जमाने की, हम ही सोचे जमाने की, हमारी हम ही माने जमाने की, हमारे साथ कुछ दिन को जमाना क्यों नहीं होता। दरअसल कांग्रेस ने बीजेपी के नाम से डरा के रखा है, एक दहशत फैला के रखी है। या तो इधर हम बीजेपी के साथ जाएं अच्छा कैंडिडेट, या उनका लीडरशिप देख के, या कांग्रेस के साथ जाएं, लेकिन बहुजन समाज के साथ कौन आएगा। लोग बहुजन समाज को लॉलीपॉप दिखाते हैं, आश्वासन देते हैं और वोट ले लेते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद जो उनकी बेसिक नीड्स जरूरत होती है, जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है, उनको पूरा नहीं करते। तो आज वो रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए बीएसपी ने अपने माध्यम से मुझे, मैं इमरान खान बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, अलायंस विद समाजवादी पार्टी की तरफ से कंटेस्ट कर रहा हूँ इस लोकसभा में, और पूरी उम्मीद है कि लोग तीसरे चेहरे के उसमें मुझे देखेंगे और सपोर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वेलकम।